हेलो गाइस। तो यार मैं आज बात कर रहा हूँ एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर के बारे में। यार राजस्थान का टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे मानते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को ये बता दूं कि यार जो बच्चे ये सोचते हैं कि एफिलेटेड कॉलेज अच्छा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, उसको दूसरा कॉलेज जैसे टारगेट में रखता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं एमपीएम की तो ये भी देखो एफिलेटेड कॉलेज ही है, जो कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से एफिलेटेड है, लेकिन फिर भी टॉप कॉलेज जिसे माना जाता है एमबीएम को। ओके, तो यार इसका जस्ट रीप के बेसिस पे तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 23 तक है, ठीक है, रिपोर्टिंग। और उसके बाद इसके अंदर डायरेक्ट एडमिशन चलेंगे, तो आप जस्ट डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। यार जो भी प्रोसेस है, जस्ट अगर अपन बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट वगैरह तो इनमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। और जस्ट इसमें अब डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। डायरेक्ट एडमिशन कैसे लेना है, कहाँ पे लेना है, कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे भी रीप की गाइडलाइन होती है, या तो रीप इनका स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करती है, या कॉलेजेस खुद अपना स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करते हैं। ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें पिछले सत्रों की, तो पहले भी जस्ट रीप जो है रीप बाहर निकल जाता है, एटलीस्ट ये 23-24 तारीख जो भी रिपोर्टिंग वगैरह खत्म हो जाता है, तो रीप का काम एटलीस्ट खत्म हो गया, ठीक है। और जो यार कॉलेजेज है, फिर रीप या तो रीप भी कंडक्ट कर सकता है अपने जस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे स्पॉट एडमिशन, या फिर जैसे जो भी यूनिवर्सिटियां हैं अपना अपना एडमिशन कंडक्ट कर सकती है खुद, ठीक है। तो यार इनकी जो भी वेबसाइट है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है रिगार्डिंग एडमिशन के, कि भैया हमारे पास इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो जस्ट अपनी जनरल कैटेगरी जो भी है जेई वगैरह की, तो वो अपना फिल कर दे, एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिल कर दे, ठीक है। फिर जस्ट वो टाइम देते हैं 2 से 4 दिन का एटलीस्ट। उनका जो सारा प्रोसेस है, अगर अपन बात करें क्लासें जो है वो 5 से नवंबर से पहले पहले स्टार्ट करनी है इन लोगों को, ठीक है। ये जस्ट AICTE और UGC की गाइडलाइन है कि जस्ट 5 नवंबर से पहले पहले सब कुछ खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो यार अपन बात करें तो तब तक 4, 3-4 को तो जस्ट अपनी दीपावली भी है, तो वहां तक तो प्रोसेस जाएगा नहीं, ठीक है। तो जस्ट ये सारा कार्यक्रम है, ठीक है, तो ये जस्ट पहले जल्दी ही करना पड़ेगा। तो ये जस्ट अपनी वेबसाइट पे इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डालेंगे कि भैया हमारे यहाँ पे इतनी सीट्स खाली है, जिसको एडमिशन लेना है वो ले लो। फिर जितने बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो बच्चे अब यहाँ पे इनके पास फॉर्म फिल करेंगे कि मेरा इतनी रैंक है, यहाँ से हूँ, ये मेरी कैटेगरी है, मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है। जो भी इनका वेबसाइट फॉर्म होता है, गूगल फॉर्म होता है, जो भी XYZ, ठीक है। फिर जस्ट ये 1-2 दिन के अंदर रैंक रिलीज करते हैं कि तुम्हारी बच्चा ये रैंक आई है, तुम्हारी गुड़िया ये रैंक आई है, तुम्हारे बच्चे ये रैंक आई है, ठीक है। फिर उस रैंक के हिसाब से जैसे जो रीप के बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन हुआ था, वैसे ही रैंक के बेसिस पे तुम जस्ट एडमिशन ले सकते हो, जैसे जैसे सीट्स बची हुई होती है। अगर अपन बात करें तो CS में यार ज्यादा सीट्स नहीं होती, एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 5 मान लो, ठीक है, इतनी होती है जो भी बच्चे लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जिन बच्चों को एटलीस्ट अगर बहुत अच्छी रैंक होती है, और जो सा या CS भी में अच्छा NIT वगैरह मिल रहा होता है, तो वो इस जो इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर नहीं पढ़ते, ठीक है, अपनी यहाँ पे जिंदगी खराब नहीं करेंगे वो लोग। आई एडवाइस अगर तुम्हें अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज जो सा CSEB के अंदर GFTI तो नहीं, लेकिन NIT AAIT अगर मिल रहा है तो यार उन्हीं को टारगेट करो तुम, ठीक है। MBA वगैरह में कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो यार ऐसी कुछ सीटें बची हुई पड़ी रहती है। इसके रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर रहा हूँ मैं, ओनली फॉर 5,999 रुपये, गारंटेड एडमिशन MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। जिसको भी सीट चाहिए कॉन्टेक्ट कर ले, नीचे जो लिंक दिया गया है पेमेंट का उस पर पेमेंट कर दे, उसके विदाउट पेमेंट लिंक पे जाए पेमेंट करे, मेरे को कोई भी व्हाट्सअप ना करे, क्योंकि मैं इतने का जवाब नहीं दे पाता, ठीक है। अगर मेरे को पेमेंट दिखता है, स्क्रीनशॉट अगर मेरे को दिखता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, दिल से बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। फिर मैं उसको बहुत धीरे धीरे एकदम मासूमियत से जवाब देता हूँ, एडमिशन कराता हूँ उसका, ठीक है। तो यार मेरे को स्क्रीनशॉट मेरी वेबसाइट का बहुत ही अच्छा लगता है, PayU Money का 5,999 का, ठीक है। तो जिसको भी सीट चाहिए वो कर सकता है, ठीक है। और हाँ, अगर तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है तो खुद भी ले सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं कि जस्ट हम आपको एडमिशन के बाद कन्फर्म दे देंगे, हम आपको डबल पैसा दे देंगे, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम जस्ट सोना चांदी नहीं बेच रहे यहाँ पे कि 2 दिन सोना पहन लिया 5 दिन बाद पैसे दे दोगे, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस नहीं है भाई, सीट दे रहे हैं तो पैसा हम पहले ही लेते हैं, सीट बाद में देते हैं,
समझ गया। तो थैंक यू सो मच गाइस, यार इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वारी जा रही थी कि भैया एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर स्पोर्ट एडमिशन मिल जाए तो बड़ी अच्छा होगा। ठीक है, सीएस में तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन यार जो लोअर ब्रांचेज है उसके अंदर कुछ सीट्स बची रह जाती है, जैसे दो तीन एडमिशन बच्चों ने कैंसिल भी कराए, जैसे आरटीयू कोटा में भी सीटें बची पड़ी है, क्योंकि जो आउटसाइड स्टेट वाले वो भी कैंसिल करवा रहे, क्योंकि उनको भी यूपीसीटी एचआरबीटी कानपुर वगैरह वगैरह जो भी है उसके अंदर सीटें मिल रही है, तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपनी सीटें यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो यार सीट्स बची हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है, एडमिशन होगा, तुम्हारा एडमिशन होगा, जच्चा का एडमिशन होगा। ठीक है, इतने सारे एडमिशन किए हैं, इतने सारे एडमिशन किए हैं मैंने कि मेरे को ऐसा लग रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देना चाहिए मेरे को, सीएस की 5 दिन के अंदर सीटें भर जाएगी। ठीक है, तो ये सारा प्लान चल रहा है यार। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, और खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कम मजा कीजिएगा। थैंक यू सो मच।